कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मृतिका अंकिता भंडारी के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय जरूर मिलेगा। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा है कि अंकिता का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, साथ ही आरोपी पुलकेश शर्मा के पिता विनोद आर्य की भी गिरफ्तारी हो। उन्होंने कहा कि सरकार पर लगातार विभिन्न माध्यमों से दबाव डालकर मामले को हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। उन्होंने सरकार से आर्थिक मदद दिए जाने की भी मांग की है। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। अंकिता जो हत्याकांड हुआ है ये बहुत ही गमगीन है और दिलों को झकझोर देने वाला हत्याकांड है, और जिन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने का काम किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और जो दोषी हैं निश्चित रूप से हम न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखते हुए जरूर कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।